नमस्कार, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं जनता शो। 11 मई 2018, हिमांशु रॉय, आईपीएस ऑफिसर महाराष्ट्र के, ने अपनी ही पिस्टल से खुद को शूट कर लिया। कुलदीप सिंह मेरठ से, मधुप सिंह सब इंस्पेक्टर, ये कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने बेवक्त ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। दोस्तों, हमारे देश में कुछ समय से आप पुलिसकर्मियों की आत्महत्या की खबरों के बारे में सुन रहे हैं। आखिर हमारे देश के पुलिसकर्मी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आइए करते हैं इसी खबर का विश्लेषण। दोस्तों, आपने लोगों से, समाज से और कई बार मीडिया के द्वारा भी आपने पुलिसकर्मियों की बुराइयाँ की बुराई करते हुए सुना होगा। उनका कहना होता है कि पुलिस कभी समय पर नहीं पहुँचती या पुलिस जुर्म को सॉल्व करने में बहुत समय लगा देती है या फिर पुलिस करप्ट है। तो दोस्तों, ये सिक्के का एक ही पहलू है। आज हम आपको सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि पुलिसकर्मी की दिनचर्या कैसी होती है? आइए आज हम बताते हैं कि एक पुलिसकर्मी अपनी ज़िंदगी को कैसे जीता है। दोस्तों, एक पुलिसकर्मी कम से कम हर दिन 12 घंटे की ड्यूटी करता है और अगर कोई राष्ट्रीय छुट्टी आ जाए तो वह सुबह 4 बजे उठकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। दोस्तों, हर सरकारी कर्मचारी को कम से कम 100 छुट्टियां मिलती हैं साल में। अगर आप संडे, सेकंड सैटरडे और सारी नेशनल हॉलीडेज़ को मिला दें तो उन्हें 100 छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन पुलिसकर्मी को इनमें से एक भी छुट्टी नहीं मिलती। तो क्या पुलिस सिपाही को इन छुट्टियों का अधिकार नहीं है? और अगर कोई दंगा फसाद हो जाए तो इन्हें खुद ये नहीं पता होता कि वे घर कब जाएंगे। दोस्तों, दिन रात ड्यूटी करना, अपने परिवार के साथ समय ना बिताना, कोई भी त्यौहार इन्हें ये तक नहीं पता होता कि ये घर पर मनाते हैं या बाहर। हर त्यौहार पर ये मुस्तैदी से गली मोहल्ले में सड़कों पर तैनात रहते हैं ताकि हम अपने घरों पर चैन से त्यौहार मना सकें। दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आंकड़ों की माने तो पिछले 5 सालों में 930 पुलिसकर्मी अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। यूपी के डीजीआई का कहना है कि हम ये एक चिंता का विषय है, हम इसका समाधान ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे आगे से काउंसलिंग सेशंस लगवाएंगे इन पुलिसकर्मियों के। उनका कहना ये भी है कि ज़्यादातर आत्महत्या एक कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल काउंसलिंग सेशंस लगवाएंगे। वर्कलोड कम करने के लिए हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी देंगे और तो और इनकी प्रमोशन, इनकी सैलरी के लिए भी ये काम करने के लिए उत्सुक है। तो दोस्तों, अगली बार पुलिसकर्मियों को गलियाने से पहले, इनके बारे में बुरा भला कहने से पहले, एक बार इनकी ज़िंदगियों में ज़रूर झांक कर देखें कि कितने दबाव में, कितने तनाव में ये काम करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।